वहीं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने शुक्रवार यानी 22 मार्च को रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी RLV-LEX-02 की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई। इस स्वदेशी स्पेस शटल का नाम पुष्पक विमान रखा गया है। इसे कर्नाटक के चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में सुबह करीब 7:10 हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और रनवे पर ऑटोनॉमस लैंडिंग के लिए छोड़ा गया। आइए आपको पुष्पक विमान से जुड़ी कुछ बड़ी बातें बताते हैं। पहला, पुष्पक RLV एक स्वदेशी स्पेस शटल है। कुछ साल पहले हमारे एस्ट्रोनॉट्स इसके बड़े वर्जन में कार्गो डालकर अंतरिक्ष तक पहुंच सकते हैं। वही इसके जरिए सैटेलाइट भी लॉन्च किए जा सकते हैं या सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़कर वापस आएगा ताकि फिर से उड़ान भर सके। तीसरा, इसके जरिए किसी भी देश के ऊपर जासूसी करवा सकते हैं, यहाँ तक हमले भी किए जा सकते हैं। यह अंतरिक्ष में ही दुश्मन की सैटेलाइट को बर्बाद कर सकता है। पांचवा, यह एक ऑटोमेटेड रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। ऐसे विमानों से डायरेक्टरेट एनर्जी वेपन यानी DEW चला सकते हैं। पुष्पक विमान की लंबाई 6.5 है और इसका वजन 1.75 है। इसे इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से उड़ाया जाएगा। वही इसके छोटे थ्रस्टर्स व्हीकल को ठीक उसी लोकेशन पर जाने में मदद करेंगे जहां उसे लैंड करना है। आखिरी, सरकार ने इस प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट किया है, जो एक मील का पत्थर है, क्योंकि देश 2035 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।